परी का जादुई शीशा। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार एक नई मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, आजादपुर नाम का एक गांव था। गांव बहुत ही खुशहाल और आनंदमय था। उसी गांव में शोभा और रेखा नाम की दो पड़ोसन रहती थी। रेखा स्वभाव में अच्छी थी और वह हर किसी की मदद करती थी। वहीं शोभा स्वार्थी और घमंडी थी। एक दिन शोभा के घर के बाहर एक बूढ़ी अम्मा आती है और कहती है, अरे भगवान के नाम पर कुछ दे दो बेटी, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया है, बहुत तेज भूख लगी है। सुबह सुबह मुंह उठाकर चली आई हो, शर्म नहीं आती इतनी तंदुरुस्त हो? कुछ काम धंधा क्यों नहीं कर लेती हो? तुम जैसे भिखारियों को भीख देकर हम खुद भिखारी बनने वाले हैं, अब खड़ी क्यों हो? निकलो यहाँ से। जा रही हूँ बेटी। वह बूढ़ी अम्मा आगे बढ़ी और रेखा के घर पहुँच गयी। बेटी भगवान के नाम पर कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया, भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है। आप इंतजार करिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। रेखा ने उस बूढ़ी अम्मा को घर में बैठाया और एक थाली में भोजन ले आई। वह बूढ़ी अम्मा काफी दिनों से भूखी थी, उन्होंने जल्दी जल्दी सारा खाना खा लिया। अम्मा पेट भर के खाओ, और कुछ चाहिए हो तो बता देना। उन बूढ़ी अम्मा ने रेखा की तरफ मुस्कुरा कर देखा और थोड़ी देर बाद उनका पेट भर गया। बस बेटी मेरा पेट भर गया, भगवान तेरा भला करेगा। तूने एक बूढ़े को खाना खिलाया है, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। अम्मा आप इतनी भूखी थी, ऐसा क्यों? क्या बताऊं बेटी, मेरा अपना कहने वाला कोई भी नहीं है। मेरा पति मुझे कुछ वर्षों पहले छोड़ गया और मेरा बेटा अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता है। अम्मा आज से आप अकेली नहीं हो, आपने मुझे बेटी कहा है, आप मेरे घर पर दिन में भोजन करने आ सकती हो। नहीं बेटा, मेरा बेटा तो मुझे छोड़कर शहर चला गया और मैं तेरे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। नहीं अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, आपने मुझे बेटी कहा है, आप हरगिज मेरे ऊपर बोझ नहीं बनोगी, आप मेरे यहाँ हर दिन खाना खाने आना। रेखा की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई। ठीक है बेटी, मैं हर दिन यहाँ खाना खाने आ जाऊंगी, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। यह कहकर वह बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली गई। अगले दिन से हर दिन वह बूढ़ी अम्मा रेखा के घर खाना खाने आने लगी। शोभा को रेखा से बहुत जलन होती थी, उसे जब मौका मिलता वह रेखा का नुकसान किया करती थी। एक रात शोभा ने रेखा के घर के बाहर सूख रहे कपड़ों को आग लगा दी। आग लगने के कारण बहुत तेज रोशनी हो गई, जिसके कारण रेखा की नींद खुल गई। रेखा जैसे ही अपने घर से बाहर आई, शोभा वहाँ से भाग गई थी। कौन है, कौन है यहाँ? रेखा परेशान थी कि आखिर किसने उसके कपड़ों को आग लगा दी। अगली सुबह शोभा रेखा के घर आई। रेखा कहती है, क्या बताऊं बहन, कल किसी ने मेरे घर के बाहर सूख रहे सभी कपड़ों को आग लगा दी। तुम्हारा कोई दुश्मन ही होगा जिसने तुम्हारे कपड़ों को आग लगा दी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। गर्मी का मौसम था और गांव के सभी कुएं सूख गए थे। लगता है अब तालाब से ही पानी लाना पड़ेगा। रुक रेखा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। रेखा और शोभा तालाब से पानी भरने निकल गए और थोड़ी देर बाद दोनों तालाब पर पहुँच गए। रेखा पानी भरने के लिए तालाब की तरफ आगे बढ़ी कि तभी उसने देखा कि तालाब के किनारे एक सुनहरी मछली थी। रेखा वह मछली लेकर घर आ जाती है और कहती है, यह मछली तो बहुत सुंदर है, मैं इसे शहर में जाकर बेच दूंगी, जिससे मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। मुझे कुछ दिन इसका ध्यान रखना होगा। रेखा उसे देखते ही देखते सो जाती है। कुछ समय बाद मछली बोलना शुरू कर देती है, रेखा मुझे बचा लो, मुझे शहर जाकर नहीं मरना, मुझे बचा लो। तुम बोल सकती हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कोई मछली इस तरह बोल भी सकती है। तुम शहर क्यों नहीं जाना चाहती? तुम्हें बेचकर मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। तुम्हारी पूरी कहानी क्या है मुझे बताओ। मैं एक रानी जलपरी हूँ, मुझे एक जादूगरनी ने अपने जादू से मछली बना दिया, और जैसे ही तुम मुझे शहर में बेचकर आओगी, कोई ना कोई मुझे मार ही देगा, और अगर मैं मर गई तो वह जादूगरनी सभी मछलियों को मार देगी, उन्हें सुकून से जीने नहीं देगी। कृपया करके तुम मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? तुम मुझे जहाँ से लेकर आई हो वहीं वापस तालाब में जाकर छोड़ दो, मैं उस जादूगरनी को ख़त्म कर दूंगी। रेखा उस मछली को तालाब के पास लेके जाती है।
पर जैसे ही उस मछली को पानी में छोड़ती है, वो मछली उस बूढ़ी अम्मा में बदल जाती है जो हर दिन रेखा के घर खाना खाने आती थी। वो बूढ़ी अम्मा रेखा से कहती है, रेखा तुम बहुत अच्छी हो, वरना आज के ज़माने में कोई किसी की सहायता करना नहीं चाहता। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में सफल हो गई हो। रेखा, मैं तुम्हारे घर पर रोज़ खाना खाने आती थी, इसीलिए मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है कि तुम बहुत गरीब हो। और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे पड़ोस में रहने वाली शोभा तुम्हें नए नए तरीकों से परेशान करती रहती है, इसीलिए मैं तुम्हें यह जादुई शीशा देना चाहती हूँ। तुम्हें शीशे के सामने जो भी चीज़ रखोगी वह जादू से दो हो जाएगी। उस बूढ़ी अम्मा के मुँह से यह सुनकर रेखा खुश हो जाती है और कहती है, क्या सच में यह जादुई शीशा मेरी गरीबी खत्म कर देगा? अम्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा वह जादुई शीशा लेकर घर आ जाती है। रेखा उसी शीशे के सामने एक लिपस्टिक रख देती है कि तभी वह लिपस्टिक जादू से दो हो जाती है। यह देखकर रेखा बहुत खुश हो जाती है और उस दिन के बाद से रेखा को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो वह उसी जादुई शीशे के सामने सोने के सिक्के रख देती। जब वह सिक्के डबल हो जाते तो उन्हें सुनार की दुकान पर बेच देती। इसी तरह उस जादुई शीशे के कारण रेखा की गरीबी खत्म हो जाती है। एक दिन शोभा मन ही मन कहती है, कुछ तो गड़बड़ है, मैं इस रेखा की बच्ची का आए दिन नुकसान करती रहती हूँ, फिर भी वह दिन पर दिन अमीर होती जा रही है, मुझे तो पता लगाना ही होगा। ऐसा कहकर शोभा यह पता लगाने की कोशिश करती है कि रेखा के पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण वह दिन ब दिन अमीर होती जा रही है। और कुछ समय बाद शोभा को पता चल जाता है कि रेखा के पास जादुई शीशा है, क्योंकि शोभा रेखा को जादुई शीशे से कुछ डबल करता हुआ देख लेती है। रात हो जाती है, शोभा वह जादुई शीशा चुराने रेखा के घर पहुँच जाती है और वह जादुई शीशा चुरा लेती है। शोभा के घर पर पहुंचकर वह जादुई शीशा टेबल पर रख देती है और सो जाती है। शोभा सो रही थी कि तभी एक चूहा शीशे के सामने आ जाता है और देखते ही देखते शोभा के घर में बहुत सारे चूहे हो जाते हैं। अगले दिन जब शोभा सोकर उठती है तो वह देखती है कि उसके घर में बहुत सारे चूहे घूम रहे हैं। यह शोभा वह जादुई शीशा लेकर रेखा के घर पहुँच जाती है। शोभा रेखा से माफ़ी मांग लेती है, रेखा शोभा को माफ़ कर देती है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। उस दिन के बाद रेखा हंसी खुशी से रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें और ऐसी नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।